चलिए आज हम देखते हैं एमपी जीके के अंतर्गत उसकी उसके भी अंतर्गत हिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हम इनका ऑब्जेक्टिव वाइज आज डिटेल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख किस जिले में मिलते हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो दतिया जिले के अंतर्गत मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजधानी जो बनाई थी वो है उज्जैनी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था, जो पर्यटन की दृष्टि में पर्यटन में के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो के हैं। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो रानोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। ये ग्वालियर के लिए है, ऐसे सिंधिया वंश की स्थापना के लिए नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है पर्टिकुलरली, ये ध्यान रखें, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। सन 1857 में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नीमच की छावनी में सबसे पहला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो सन 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गई थी। उस समय मध्य प्रदेश नाम नहीं था, मध्य भारत था, लेकिन हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किसने किया था? तो प्रदेश में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उस समय वो है प्रभाकर डुंडिया डुंडिया राज। भारत राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? सॉरी, भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? तो भोपाल राज्य जो है भारतीय संघ में वो है 1 जून 1949 को शामिल हुआ था। मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। राजा भोज की कृति नहीं है, चरक संहिता राजा भोज की कृति नहीं है। रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ की जो झांसी, झांसी की रानी झांसी की थी, लेकिन रामगढ़ की जो रानी थी उनको रानी दुर्गावती को झांसी की रानी की उपाधि दी गई थी, वो है रानी दुर्गावती। खजुराहो किस वंश की राजधानी है? चंदेल वंश की राजधानी है। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा के किस राज्य में, भाभरा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, जो झाबुआ जिला था अब अनूपपुर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो होलकर, अभी भी होलकर विश्वविद्यालय भी होलकर और होलकर नगरी भी कहा जाता है, तो होलकर रियासतों का वहां पर शासक था। उज्जैन महाजनपद युग की राजधानी थी? तो महाजनपद की युग की अवंती का या अवंती था, और इसीलिए उज्जैन को अवंती का भी कहा का नाम भी दिया जाता है, या अवंती के नाम से भी बुलाया जाता है। मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? दशपुर प्रसिद्धि से सूचना इसकी मिलती है। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? तो ऐतिहासिक स्थल जो चित्रकूट है, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ जो हम कहते हैं, तुलसीदास जी का जो चौपाई है उनकी, तो चित्रकूट की जो स्थली है ये है सतरा जिले। अगला है, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल काईथा किसके समीप है? तो काईथा जो है कि उज्जैन के समीप है। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य किस स्थल में प्राप्त हुआ? तो एरन में प्रति सती प्रथा के प्रचलन का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था।
चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? झाबुआ जिले में, जो अब अलग हो गया है, झाबुआ से अलीराजपुर बना दिया गया है, बाकी उस समय झाबुआ ही था, झाबुआ के भाभरा गांव में। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1899 में किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो लाहौर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। तानसेन प्रदेश के किस राजा के दरबार में था? तो तानसेन प्रदेश, प्रादेशिक की बात करें तो राजा रामचंद्र या चंद्रभान के नाम से जाना जाता था, रामचंद्र के राज्य में था, दरबार में था। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो ये पांच राज्य है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये पांच राज्य है जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, ये सीमावर्ती राज्य हैं मध्य प्रदेश के। ये हो गई ना, वो हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मंडला राजधानी थी, तो मंडला राजधानी गौड़ों की राजधानी थी, गौड़ की राजधानी। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले पढ़ा था। तो उज्जैनी को, उज्जैन को जो है, जैनी या उज्जैन या अवंती का नगरी कहा जाता है। किस क्षेत्र पर शुंगवंशी राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? तो विदिशा क्षेत्र पर जो है कि शुंगवंशी राजा ने शासन किया था। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? नाग वंश, जो कुषाणों के उन्मूलन के उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था, अश्वमेध यज्ञ। उस समय काफी वर्चस्व में रहते थे, अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी अश्वमेध यज्ञ की। मध्य भारत पर हूणों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? हूणों का जो आक्रमण है वो 6ी शताब्दी में किया था इन्होंने। नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? तो गुर्जर या प्रतिहार वंश का ये राजा था। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। समरागण सूत्रधार किसकी रचना है? समरागण सूत्रधार राजा भोज की रचना है। त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया है? तो त्रिपुरी पर कलचुरी वंश ने शासन किया है। तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था? इब्राहिम लोदी के साथ जो है कि विक्रमादित्य ने संघर्ष किया था। ग्वालियर का किला किसने बनाया था? ग्वालियर का किला सूर्य सेन ने बनाया था। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। तानसेन किस वंश के राजा श्रेय में थे? तो तानसेन का भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये बघेल वंश के थे, उनके आश्रय में तानसेन राजेश्वरी थे। होलकर वंश का संस्थापक कौन है? तो मल्हार राव होलकर, इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो महादी जी सिंधिया। अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो ग्वालियर में सिंधिया वंश की थी, अब यह है कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो महाजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की क्वेश्चन की थी। ये क्वेश्चन कई बार घुमा देता है ना, कंफ्यूज करता है। तो सिंधिया वंश की जो स्थापना है वो महाजी सिंधिया ने की थी। किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की थी? तो राज उज्जैन से जो ग्वालियर स्थानांतरित हुई थी वो है दौलत राव सिंधिया।
हेल्डियो डोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ पर गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था? तो गरुड़ ध्वज का निर्माण उसने विदिशा में करवाया था। नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? व्याकराज से संबंधित है। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो गुर्जर या प्रतिहार वंश के राजाओं ने अरबों को हराया था। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में स्थित है। टंटेया भील का संबंध किस स्थान से है? तो ये खरगोन से है। मान्यखेत पर किस वंश का शासन था? तो राष्ट्रकूटों का वंश था, वंश का शासक था। मांडू के शासक होशंग गुस्साह ने चित्तौड़ पर विजय की तथा इस उपलक्ष्य में उसने क्या बनवाया था? चित्तौड़ पर जब उसने विजय की तब उसने विजय स्तंभ बनवाया था। वीर बाज बहादुर किस वंश के थे? तो वीर बाज बहादुर जो था ये फरूखी वंश का शासक था। साथियों, हमारे इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली श्रृंखला में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, सीखते रहें शोम अकेडमी के साथ। धन्यवाद।